अगली खबर का रुख करते हैं। आजम खान को 7 साल की सजा हुई है। 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। डूंगरपुर बस्ती केस में सजा का ऐलान कर दिया गया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा आजम खान को सुनाई है। डूंगरपुर बस्ती केस में आजम खान को यह सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। 7 साल की सजा आजम खान को इस मामले में दी गई है। 5 लाख का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। डूंगरपुर बस्ती केस काफी समय से ये पूरा मुकदमा चल रहा था और आज इसमें सजा का ऐलान होना था। एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना और 7 साल की कैद आजम खान को सुनाई है। तो आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां 7 साल की कैद और 5 साल का जुर्माना आजम खान पर लगाया गया। डूंगरपुर बस्ती केस जिसमें कि सुनवाई पूरी हो चुकी थी, आज एमपी एमएलए कोर्ट को सजा सुनानी थी। विशाल सक्सेना फोनलाइन पर हमारे साथ है। विशाल, सबसे पहले आपसे इस केस के बारे में जानना चाहेंगे, कितने साल तक जिरह चलती रही, आज आजम खान को एक और झटका कोर्ट ने दिया। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आजम खान को डूंगरपुर कोरकड़ा में आज 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना जो है उन पर लगाया गया है। तो आजम खान सहित 4 लोगों को जो है इसमें क्या कहते हैं सजा सुनाई गई है और वहीं उन पर अलग अलग जो है जुर्माना डाला गया है। आजम खान पर लूट, डकैती, घर में घुसकर मारपीट करने का ये आरोप था और एहतेशाम नाम के एक व्यक्ति ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद 16 तारीख को इसमें कोर्ट बहस पूरी हो गई थी और कोर्ट ने जो था अपना फैसला सुनाया था, जिसमें उनको दोषी करार दिया था। वहीं आज इसमें सजा सुनाई जानी थी, जिसमें आज आजम खान को 7 साल की सजा 5 लाख जुर्माना सुनाया गया। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए शुक्रिया विशाल आपका।